नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं। दावा किया जा रहा है कि दाऊद को कराची में जहर दिया गया है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स द्वारा दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है कि किसी अनजान शख्स ने उसे जहर दे दिया है। इसके चलते दाऊद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दाऊद की गैंग के पूर्व सदस्य ने पुष्टि करते हुए बताया कि दाऊद गंभीर बीमारी के चलते कराची के अस्पताल में भर्ती है। 2 दिन पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और जिस फ्लोर पर वो एडमिट है वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ शीर्ष अधिकारियों और परिवार के करीबी लोग ही वहां जा सकते हैं। जहर दिए जाने की अभी पुष्टि नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस के अधिकारी दाऊद के करीबी रिश्तेदारों से भी इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। जियो टीवी न्यूज़ ने भी सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, जिसे कथित तौर पर गंभीर चिकित्सा स्थिति के बाद पाकिस्तान के कराची में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसे लेकर पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं को जिक्र किया गया है। उन्होंने किसी बड़ी घटना को लेकर शक जताते हुए कहा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहे हैं, YouTube, गूगल आदि का सर्वर भी डाउन है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।